प्रिय विद्यार्थियों, RCA की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित जो प्रश्न किए थे, जो थ्योरी की थी, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखिएगा, √3 1/√3 1/√3√3 .. कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स बोल दिया है आपने। गुणोत्तर श्रेणी में दो टाइप की श्रेणी पड़ी है, एक तो एन पदों वाली और दूसरी अनंत पदों वाली। इज ए जीपी, इसको आप हिंदी में भी लिख लो, ये सब लिखना ठीक है, और यहां लिख दो। देखिए, जो कि जीपी में है तब इसका 9th या 9वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आप देखिए, जब हमें n पदों की जीपी मिली है और 9वां पद पूछ रहा है, इसलिए जीपी में हम n पदों को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? AR की पावर n-1, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि जहां tn होता है वो n वे पद का मान आता है, a प्रथम पद, r सार अनुपात और n पदों की संख्या। अब देखो ध्यान से, a इक्वल टू क्या आएगा? √3। n इक्वल टू क्या है? 9th पद पूछा है, 9वां पद पूछा है तो n = 9। और नेक्स्ट r इक्वल टू क्या होगा? नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म। भाई जीपी आपको बोल दिया, इसलिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि एपी में है, जीपी में है, किस में है। तो आप क्या करो, अगला पद और उसके जस्ट पिछला पद ले लो ऐसे। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? यू कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिखोगे? 1/√3। और ये क्या हो जाएगा? जो हर है वो अंश बन जाएगा, तो 1/√3। और यहां से क्या आ गया? 1/3। इसका मतलब आपने a का पता लगा लिया, n का पता लगा लिया और r का पता लगा लिया। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। t9 बराबर, देखो n की जगह मुझे क्या लिखना है? 9। इसका मतलब t9 क्या होगा? n वे पद का मान यानी 9वें पद का मान। और ये क्या है? देखो a का वैल्यू क्या है? √3। r का वैल्यू क्या है? 1/3। और n का क्या है? 9-1। अब केवल आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आप बहुत ही इत्मीनान से और ध्यान से देखिए, √3 1/3 की पावर 8, उसके बाद क्या करोगे? √3, और यहां पर क्या आएगा? 1 की पावर 8 / 3 की पावर 8, अलग अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? √3, और √3 को भी क्या लिख सकते हो? 3 की घात 1/2 / और यहां क्या होगा? 3 की घात 8। उसके बाद क्या करोगे? देखो 1/3 की घात 8 तो है ही, और ऊपर से जब नीचे आएगा तो माइनस लग जाता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद देखिएगा, 1/3 की पावर 8 - 1/2, आप 1/3 इसको सोल्व करो तो LCM क्या आया आपके पास? 2, और क्या होगा? 16-1। यानी आप क्या लिखोगे? 1/3 की पावर 15/2, और इसको क्या लिख सकते हो? 1/3 की पावर 15/2, और यही आपका क्या आंसर है। एक बार आप देखो ध्यान से, जिस प्रकार से हमने बोला कि 1/3 को अपन ने क्या लिखा? 1 की पावर 8 और 3 की पावर 8, तो ऐसे ही मैंने यहां लिखा है 1/3 की पावर 15/2, क्योंकि 1 की पावर 15/2 आप करोगे तो अभी आपको 1 ही मिलने वाला है। अब देखो एक बात और बता देता हूं आपको, ये आप पढ़ के आए हो तो मैं इसे भी मेंशन करा दूं, अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखाई देता है तो आप a की पावर n / b की पावर n लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, और मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणोत्तर श्रेणी 1/2
128 के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब आपको किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में जब तक अनंत पद नहीं बोला जाए या अनंत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाए, तब तक आपको उस श्रेणी में पदों की संख्या को n ही मानना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखो, a इक्वल टू प्रथम पद क्या होगा 1/2, r क्या होगा अगले पद में ठीक पिछले पद का भाग देना है केवल, और वो क्या होगा 1/4 × 2/1, और ये क्या होगा 1/2, और n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 10, क्योंकि आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए r का वैल्यू 1 से छोटा आया है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, a इंटू 1 - r की पावर n / 1 - r। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया है, और जहां पे क्या है r 1 से छोटा है, क्योंकि r का वैल्यू क्या है 1/2। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक काम करता हूं, नाउ r की पावर n, ये और टर्म्स से थोड़ा हटके है, तो मैं इसको लिखता हूं पहले कि ये क्या है r की पावर n। देखो r का वैल्यू है 1/2 और n का वैल्यू है 10, तो लिखोगे 1/10 / 2/10, तो ये क्या बनेगा 1/2/10, ये आपके पास आ गया r की पावर n। अब देखिए आप ध्यान से, a का वैल्यू क्या है 1/2, a देखो 1/2, और 1 - r की पावर n, अभी आपने वैल्यू निकाली है वो क्या निकल के आई है 1/2/10, अपॉन में 1 - r, तो 1 - 1/2 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, केवल और केवल मैंने इस फॉर्मूले में a, r, n और r की पावर n के मान रखे हैं, और यहाँ आप देखिए 1/2 और 1 - 1/2 की पावर 10 / 1/2 और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आया 1/2 की पावर 10। अब आप यहाँ पर क्या ले लो LCM, तो क्या आएगा 2 की पावर 10 - 1, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए लगे हाथ, सबसे पहले आपने बोला कि गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान 10 हुआ है, a का वैल्यू प्रथम पद है तो 1/2, और r का वैल्यू होगा नेक्स्ट टर्म अपॉन एडजेसेंट प्रीवियस टर्म, तो क्या होगा 1/4 / 1/2, तो क्या होगा 1/4 × 2/1, और ये क्या आ गया 1/2। अब आपने देखा ये फॉर्मूला आपको मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया, उसके बाद देखिएगा a का वैल्यू क्या है 1/2, a का वैल्यू क्या है 1/2, आपके पास r की पावर n थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो इसको हमने पहले सॉल्व करना बेस्ट समझा, तो r का मान क्या है 1/2 और n का मान क्या है 10, इनको अलग अलग कर लो 1/10 / 2/10, तो यहाँ से क्या आएगा 1/10 = 1 और 2/10 = इतने का इतना लिख दिया। इसको जो भी इसमें थे a, r की पावर n और r, ये मैंने मान रखे, मान रखने के बाद एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधे से आधा कैंसिल आउट हुआ तो ये आया, इसमें मैंने 1/1 करके लघुत्तम समापवर्तक लिया और वो क्या आएगा 2/10 और 2/10 - 1, ये आपने सोल्व किया और लास्ट में आपको आंसर मिल गया 2/10 - 1/2/10। इसको भी सोल्व करना चाहो तो 1024 - 1/1024 और ये आ गया 1023 / 1024, ये आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है।